सो आंटी कर दो हेलो। हेलो आंटी को पहले भी अपने व्लॉग में देखा होगा। सो अभी सबसे छोटी मेंबर हमारी। हाय गाइस, ये देखिए हमारी भाभी और मेरे व्लॉग पार्टनर। ये हमारी ना चाय के बिना तो हिलती नहीं है। सही बात है, यही तो है टाइम एंजॉय करने का। और क्या, बैठ के चाय पीएंगी। चाय के नाल खिचड़ी। हेलो गाइस, होप यू आर फाइन। वी आर बैक विद द न्यू व्लॉग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ आशीष। सो गाइस, एक बार दोबारा हमने व्लॉग के साथ आ चुके हैं और आज का जो व्लॉग है ना वो कुछ इस तरह से है कि आज हमारे घर में प्रोग्राम रखा हुआ है खिचड़ी का। मतलब ये कुछ ऐसे दिन चल रहे हैं, हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन है खिचड़ी का, सब खिचड़ी बनाते हैं और फिर आंवले के पेड़ के नीचे उसको बैठ के खाते हैं। ठीक है, आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और उसके नीचे बैठ के खाते हैं। पहले क्या होता था कि मतलब चलो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। पहले सब अपनी अपनी खिचड़ी बनाते थे और सब बैठते थे, मम्मी उनकी फ्रेंड्स जो भी आप पहले व्लॉग्स में देखते हो। तो पिछले कुछ सालों से ये क्या कर रहे हैं कि ये मतलब एक ही जगह बनवाते हैं हलवाई से खिचड़ी और सब मतलब सिर्फ इंजॉय करते हैं, कोई कुकिंग नहीं करता, सब इंजॉय करते हैं। अभी सब मतलब 11 बज रहे हैं इस टाइम, ये देखिए 11 इस टाइम बज रहे हैं और 11:30 बजे तक सब आज सब आ जाएंगे। आमली पूजा, मम्मी मम्मी मुझे सही नाम बता रहे हैं कि आमली पूजा बोला जाता है इसको। तो गाइज आमली पूजा के लिए बस अभी हम सब रेडी हो जाएंगे, 11:30 बजे तक हम सबको रेडी होना है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं व्लॉग स्टार्ट कर दूं। लेकिन गाइस, रेडी होने से पहले मैं आपको बता देती हूँ अपना ड्रेस जो मैंने आज पहनना है, क्योंकि फिर उसके बाद मैं खुद ही कैमरा पकड़ती हूँ, मेरा पूरा ड्रेस नहीं आता तो मैं आपको बता देती हूँ। सो गाइस ये देखिए, ये है मेरे आज का ड्रेस, ये रहा मेरा सूट, सो ये रहा मेरा मतलब अपर, ये शर्ट रही और ये रहा दुपट्टा। और दुपट्टे में ये सारा आप देख सकते हैं गाइस, ये जो है ना थ्रेड वर्क हो रखा हुआ है और ये वाइन कलर का सूट है और इसके ऊपर मिरर वर्क है पूरा। सो ये रहा, सो गाइस ये रहा मेरा ड्रेस। सो अभी जस्ट मैं 5 मिनट में रेडी होके आपके सामने आती हूँ, तब तक के लिए मैं लेती हूँ ब्रेक। सो गाइस ये देखिए, हम हो चुके हैं रेडी और ये आ चुके हैं हमारी आंटी। आंटी कर दो हेलो। हेलो आंटी को पहले भी अपने व्लॉग में देखा होगा। सो अभी सब आ चुके हैं बाहर, मैं चलती हूँ सबसे, आपको मिलाती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं उससे पहले अपना ड्रेस दिखा देती हूँ, आंटी पकड़ेंगे कैमरा में। गाइस ये देखिए, ये है मेरा आज का पूरा ड्रेस, वाइन कलर का सूट, मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी हम चलते हैं व्लॉग करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू आंटी। सो गाइज अब मम्मी भी हो चुके हैं रेडी और मैं आपको उनके साथ मिला देती हूँ। सो ये देखिए मम्मी, मम्मी हेलो कर दो। हेलो। सो ये रहे हमारे मम्मी और मम्मी इस टाइम बड़ा हिसाब किताब में बड़े फंसे हुए हैं। मिलके सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं। सो मम्मी और मम्मी की फ्रेंड सब मिलके अरेंजमेंट कर रहे हैं, इनकी अपनी सत्संग मंडली है। सो उसको लेके सब भी चलते हैं और मैं आपको बाहर भी सबके साथ मिलाती हूँ, सब आ चुके हैं। सो मम्मी आ जाओ आप भी जल्दी। सो गाइज ये देखिए, इस टाइम सब आ चुके हैं। तो ये देखिए सब आ चुके हैं। हाँ जी मेरी ज्यादा बनाई, ठीक है। लानी कितनी है? हाँ गाइज ये देखिए हमारी भाभी और मेरे व्लॉग पार्टनर। सो अभी हम बहुत ज्यादा करेंगे मस्ती, ठीक है। तो भाभी ने मुझे फोर्स किया आना आना आना, हाँ, बना भी आना। सस्पेंस खत्म कर दिया, कल का व्लॉग भी देखना। और गाइस कल के व्लॉग में पता क्या होने वाला, हम सुबह 4 बजे सब इकट्ठे होंगे और सुबह 4 बजे क्या करने इकट्ठे होंगे ये भी आपका सस्पेंस है ना, तो व्लॉग देखना पड़ेगा उसके लिए। ऐसे भी करेंगे। सो ये देखिए सारी हो चुकी हैं तैयारियां, ये इनका लग चुका है दरबार।
गाइस ये देखिए अब लंगर की तैयारियां जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं और भैया इस टाइम जो है प्रेपरेशन में लगे हुए हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या मतलब बना है। ये रही खिचड़ी जो कि माँ की दाल की होती है हमेशा, और ये रहा अचार, और ये रही खिचड़ी। और अचार मतलब आंवला अदरक और मूली ये सब चीज़ों का मिला के बनाया हुआ है। और ये अच्छा मम्मी पीछे से बोल रही है घर घर आंवला। और इस टाइम मम्मी जो है ये भोग के लिए थाली तैयार कर रहे हैं, खिचड़ी अचार और दही। ये सबसे पहले भोग लगेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आंवले की पूजा होगी फिर उसके बाद ही मतलब लंगर स्टार्ट होगा, तो ये उसके लिए प्रेपरेशन हो रही है इस टाइम। सो अभी मम्मी कर रहे हैं आरती, सब बारी बारी आरती करेंगे। अब आरती हो रही है और इसके कंप्लीट होने के बाद साथ ही लंगर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सो ये देखिए सारे गाइस ये देखिए लंगर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सत्संग खत्म हो गया, आरती हो गई, पूजा भी हो गई आमले की। अब मैं आपको मिलाती हूँ अपनी भाभियों से। सो ये रहे हमारी भाभी, हेलो। और ये रहे हमारी दूसरी भाभी, हेलो। ये रही, हेलो गद्दे, हेलो। सो गाइस ये रहे हमारी भाभी और ये रहे हमारी दीदी। आंटी तुम भी बैठो थी कि बैठे बिच घर। मम्मी नु बिठावांगे। सो गाइस अब है मेरी बारी खाने की। सो अभी मैंने पकड़ी है प्लेट और ये भैया मुझे डाल रहे हैं खिचड़ी। और ये देखिए गाइस ये है माँ की दाल की खिचड़ी, गर्मा गर्म। मौसम है ठंडा तो आ जाएगा मजा। और ये गया हमारा अचार, ये जैसे मैंने बताया किस किस का अचार है। और उसके बाद ये गया दही। हेलो आंटी, सो गाइस ये रहे हमारी आंटी और ये रही सृष्टि। ये भी रही हमारी आंटियां, हेलो कर दो सारे। से ये मम्मी अब करने लगे हैं खिचड़ी टेस्ट। ये देखिए हमारी खिचड़ी। सो गाइस अब मैं आपको मिलता खा के। सो गाइस ये रहे हमारी आंटी, हमारे भाभी। भाभी हेलो कर दो, देखा वेरी गुड बढ़िया। हेलो हाय आंटी। और ये रहे हमारे भाभी। इधर बना, इधर बना, इधर बना। चाह पी आ गए अड़िया कुड़िया। आंटी हेलो करो। आंटी की हमारी भाभी अब सबको करने लगी हैं चाय सर्व। सब तो पहला तेलो आई नहीं, चलो व्लॉग तो बनना ही है। भाभी लिस्की हो चाय के बिना तो हिलती नहीं है, यही तो है टाइम एंजॉय करने का। और क्या बैठ के चाय पियेंगी, चाय खिचड़ी ठीक। आंटी नहीं बनाती। ओह ये आंटी तुम्हें लेके नहीं आई। बहुत अच्छी है, थोड़ा ज्यादा ठीक है। तो गाइज अब खिचड़ी का जो प्रोग्राम था वो हो चुका है ख़त्म, सब जा चुके हैं अपने अपने घरों में, पीछे आप देख रहे होंगे। सो ये कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं और खा रहे हैं और अब मम्मी भी कर रहे हैं और मम्मी फिर हिसाब किताब में लगी हुई है अपना लेन देन में। और ये देखिए भाभी हमारी। सो गाइज अभी जो फंक्शन था हमारे घर में वो मतलब अब ख़त्म हो गया, अच्छे से कम्प्लीट हो गया, सब चले गए अपने घर में। तो अभी हम करते हैं व्लॉग का एंड, लेकिन जल्दी हम एक नए व्लॉग के साथ आएंगे। और होप सो कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज एक नए रिचुअल के साथ आपको हमने मिलाया,
और यहाँ पे सब हर बार खिचड़ी ऐसे ही मनाते हैं, बिल्कुल अलग तरीके से। आंवले की पूजा भी की जाती है और ये सब मतलब खिचड़ी आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के खाई भी जाती है। और उसके बाद इन्होंने हलवाई वगैरह लगाया, सबने इंजॉय किया, खूब मजा आया। और मैंने भी इसे रिकॉर्ड करने की, ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड करने की कोशिश की। और कल भी गाइज एक और ब्लॉग जो है मतलब तैयार होगा। कल के ब्लॉग में ये होगा कि सुबह सब 4 बजे हम इकट्ठे हो जाएंगे, सब अपने अपने घरों से 4 बजे आ जाएंगे। और 4 बजे हम क्या करेंगे ब्लॉग में, ऐसा क्या होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, मज़ेदार होगा और काफ़ी इंजॉयमेंट होगा सुबह सुबह। और इसके लिए आप प्लीज़ अगला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। होप सो कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। बाय।